रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। सर अभी ये मैसेज दिया नहीं है उसने मुझे। एक एक मैसेज देता है। स्क्रीन शेयर हो गई है। हाँ यस। ओके जी सर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बेसिकली आज का जो सेशन है वो बेसिकली डिप्लोमा एचआरएम और सर्टिफिकेशन एचआरएम से रिलेटेड है। तो कुछ बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि रिगार्डिंग दी एचआरएम है क्या चीज़, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता क्या है एंड हाउ द पीपल रिवॉल्व अराउंड इट। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है, स्ट्रेटजी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, एग्जीक्यूशन है, हायरिंग है, फायरिंग है, लीव मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, वो तमाम चीज़ें एचआर ने करनी है। लेकिन हमारी मार्केट के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, सेल्स है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, इनको ज़्यादा वैल्यू देते थे क्योंकि उनकी बिजनेस वो लेकर आ रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी एक पार्ट है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैकबोन होती है, तमाम चीज़ें, वो जो कहते हैं ना कि ह्यूमन की जो बैकबोन होती है, अगर वो हल्की सी टूट जाए तो ह्यूमन गिर जाता है। इसी तरह एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे ही है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स हटा दो ऑर्गेनाइजेशन, वो स्ट्रक्चर, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो कहते हैं डायरेक्शन नहीं होगी उसके अंदर, टारगेट नहीं होगा उसके अंदर, गोल्स नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो घूमता फिरता रहेगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैकबोन आएगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो तमाम चीज़ें स्ट्रक्चर लाइन में होंगी। अब मूविंग फॉरवर्ड के जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो वो बेसिकली पांच फंक्शंस के ऊपर बिलोंग करता है जो एचआर मैनेजमेंट कहलाई जाती है और जिसके ऊपर स्ट्रैटेजी मेक होती है ऑर्गेनाइजेशन की और पॉलिसी भी बनती है, जिसमें स्टाफ है, प्लान है, कंट्रोल है, ऑर्गेनाइज है, लीड है। अब ये स्टाफ क्या करता है, न्यू पर्सन ऑन बोर्ड किया एज पर द जॉब एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उन लीड्स को, उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है, सिलेक्शन होती है, इंटरव्यू, उनको ट्रेन किया जाता है, जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाता है, जब वैल्यूएट करते हैं तो फिर रिवॉर्ड मिलता है। अब ये स्टाफ कहलाई जाती है। देन प्लान होते हैं, गोल सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो सेट किए जाते हैं। फिर उसी को मैनेज करने के लिए, कंटिन्यू प्रोग्रेस रखने के लिए कंट्रोल करना जरूरी है। एक बात याद रखिएगा जिंदगी के अंदर कि जब हम कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस बना तो लेते हैं, हर चीज बना लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसको मेंटेन करना, दैट इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट एंड ऑफ एवरी बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू। क्योंकि मैनेज करना, कैसे लेके चलना ऑर्गेनाइजेशन को, वही चीज़ें आपको कंट्रोल रखनी पड़ती हैं इन द लॉन्ग टर्म गोल, जिसमें आप अपने गोल्स को अचीव करते जाते हो और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाती है। आप तो ग्रो करोगे साथ ही साथ, लेकिन आपने लोगों को भी आपने ट्रेन करना है, उनको भी ऑर्गेनाइज करना है, उनको भी साथ लेके चलना है। अब इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन सबॉर्डिनेट्स होते हैं, टास्क डिफाइंड होते हैं, आपके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, आरके सिस्टम चीज़ें होती हैं, कोऑर्डिनेशन होती है, वर्क के सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज के अंदर आते हैं। उसके इवेंचुअली फिर लीड है, सबॉर्डिनेट से टू डू द वर्क है, मेंटेन करते हैं, मोरल को मोटिवेशन रखनी होती है, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, कुलीग्स होते हैं, कोई डाउन है, कोई अप है, किसी के अंदर तो ये तो अफसोस कर रहे हैं, कोई अचीवमेंट कर गया तो उसको शाबाशी दे रहे हैं, ईच एंड एवरी थिंग, काउंसलिंग से लेके डेवलपमेंट तक लेके तमाम चीज़ें एचआर मैनेजर का फंक्शंस के अंदर डिफाइंड होता है। बेसिक एचआरएम की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली एचआर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस होते हैं वो कैरी आउट करना होते हैं पीपल और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट्स के मुताबिक, जो पोजीशंस इंक्लूड होती हैं, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, अप्रेजिंग एंड रिवॉर्डिंग, ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ओवरऑल काम होता है जो एग्जीक्यूशन चल रही होती है।
एचआर की बेसिकली कोर वैल्यूज क्या है, इंगेजिंग है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट कहने के एक्टिविटीज से करवाना, प्रोड्यूस करवाना, एम्प्लॉय से बिहेवियर नीड्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स होती हैं उनको अचीव करने में हेल्प आउट करें वो लोग। अच्छा जी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी रोल क्या करती है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द एग्जीक्यूटिंग द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड मैचिंग द कैपेबिलिटीज विद द डिमांड ऑफ एन एनवायरमेंट। और स्ट्रैटेजी करता है क्या कि कोर्स ऑफ फंक्शन स्टेप बाय स्टेप यू डिसीजन मेक इन द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड द शॉर्ट टर्म गोल्स वे यू मेंटेन योर कंपिटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट। दीज आर दी सिक्स स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेर यू डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। वॉट इज काइंड ऑफ बिजनेस यू आर प्रोवाइडिंग? आर यू अ सर्विस प्रोवाइडर और अ मैनुफैक्चरर? वॉट इज योर मेन मिशन इन दैट इंडस्ट्री वाइज? देन योर स्वॉट एनालिसिस, देन ट्रांसलेट हाउ यू विल बी अचीविंग इट बाई द 5 W's एंड द 1 इज हाउ। देन आप उसके एग्जीक्यूशन गोल्स को अचीव करने के फॉर्मुलेट करते हो, स्ट्रैटेजिक गोल सेट करते हो एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट गोल्स। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको वैल्यूएट करने के आप स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 में किस तरह से प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट यू हैव लर्न एंड हाउ यू विल बी कैरी ऑन टू स्टेप नंबर 3। अब वो स्टेप नंबर 3 क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है, अब आपने उसको अपने स्टेप नंबर 2 से अगेन ट्रांसफॉर्म करना है, स्किल रिक्वायरमेंट करनी है, एनहांसमेंट करनी है टू रीच एट स्टेप नंबर 3, देन 4, देन 5, देन 6, वॉट एवर द गोल्स यू आर सेटिंग अप, योर रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड। आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए, यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ। वॉट आर दी बेसिक्स HRM फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन? बेसिकली दे आर सिक्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इन दी ऑर्गेनाइजेशन विच आर कम्स अंडर द HRM। नंबर 1 से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सेकेंड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फोर्थ इज बिजनेस एंड कंपनसेशन, फिफ्थ इज लेबर रिलेशन, सिक्स इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। राइट नाउ आई विल बी गिविंग यू द ब्रीफली अबाउट दी सिक्स फंक्शन, वॉट आर दी थिंग्स आई एम ब्रीफली गो थ्रू इन इट। के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता क्या है कि बेसिकली जॉब एनालिसिस किया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन की जाती है एंड जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। अब ये जब चीज डिजाइन की जाती है तो उसके बाद फिर अब एज पर द ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो बंदे की रिक्वायरमेंट होती है उसके एनालिसिस करने के बाद बंदे को ऑन बोर्ड किया जाता है, उसके रिक्रूटमेंट किया जाती है थ्रू द सिलेक्टिव ऑफ फ्रॉम द CV सिलेक्शन है। आप यूनिवर्सिटी ड्राइव से CV लेते हैं, कुछ आपकी ईमेल एडवर्टाइजमेंट करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, इंडीड के ऊपर, rosy.pk के ऊपर, वहां से जॉब्स आते हैं, वहां वहां के थ्रू आप अप्लाई करते हो। फिर जब शॉर्टलिस्ट किया जाता है एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट मैचेस, देन यू आर सिलेक्टेड। फिर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, फिर आपका टेलीफोनिक होता है, फिर आपका फेस टू फेस होता है, एक टेस्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है। ये तमाम चीजें सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर होते हैं, जहाँ पे आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसके अंदर ऑफर दी जाती है, उसके बाद फिर आप उसको ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते। हर इंसान को बेसिकली जॉब तो हर किसी ने करनी है, लेकिन अगर नहीं भी करनी है तो बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, वॉट एवर इट इज। बट इन रियलिटी जो इंसान जॉब की तरफ आता है तो मेक श्योर कि वो मार्केट के इन करे थ्रू द पर्सनालिटी टेस्ट। नंबर 1, अपने आप को टेस्ट करे कि वेयर ही इट इज लीडिंग टूवर्ड्स इट, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे, कौन सी इंडस्ट्री में चूज करना चाहता है, देन ही अप्रोच टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग। कुछ होते हैं लोग अपने करियर ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ होते हैं कि यार जो मेरे अंदर स्किल्स हैं उसी के बेसिस में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाओ। तो ओवरऑल जब आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो आपको स्कोप ऑफ जो फील्ड है वो बढ़ता है एंड यू बिल्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, देन जो रिक्रूटमेंट के साइड है, द अदर थिंग्स जो करियर के साइड में बात करूँ उसके अंदर होता है कि ये कि आप एक इंडस्ट्री में एंटर हुए और रिटायरमेंट भी उसी इंडस्ट्री से हुए या एक ही पोजीशन में हुए, तो उसके अंदर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड मैटर करता है। जब मैटर करेगा तो डेफिनेटली आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी स्ट्रैटेजी रोल प्ले करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज टू आर द थिंग्स। नंबर 1 कि जब न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन करते हैं तो एक वो HR ट्रेनिंग देता है, देन
उसका जो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसकी ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उसके अंदर ट्रेनिंग करवाई जाती है जॉब से रिलेटेड। उसके बाद ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क टेन्योर उसके अंदर कुछ स्किल्स आइडेंटिफाई की जाती हैं, जहाँ पे बंदा इंसान वीकनेस थोड़ा सा लैक कर रहा हो, फिर उसके ऊपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जा रही होती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आर द टू बेसिक थिंग्स डिफरेंस बिटवीन अप्रेजल एंड द मैनेजमेंट। अप्रेजल इज डन बाय द एचआर मैनेजर बिटवीन द एचआर एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इट इज नॉट शेयर्ड, इट इज हैव द वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ ऑल्सो, बट द इंफॉर्मेशन इज नॉट शेयर्ड, इट इज नॉट काउंसलिंग बिटवीन द पीपल एंड द इश्यूज क्रिएट अलॉट। Sometimes the people is feeling that is the valuation is unjustified, so that person should be justified कि why we are evaluating this one, so evaluate yourself why, so you have to defend yourself in that thing. Then management is that कि if you make a mistake you have the 11 months or other 360 days or 340 days, rest of the days you need to improve yourself and it is becomes under the head of the department and head of the department is overall looking after you and the performance and each and everything. Then last but not the field, what is the compensation and benefits? Compensation is basically and the benefits are the in return your services the company is offering the salary or wages and the as per the Pakistani law there are the some benefits has to be provided to the employees as a labor under the labor law. So लेबर यूनियन ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड भी होती हैं। तो कंपनसेशन के अंदर सैलरी होती है, वेजेस होते हैं, डेली होते हैं, पर आवर की कैलकुलेशंस होती है, वो तमाम चीज़ें काउंट होती हैं। एक एवरेज पाकिस्तानी इस वक्त जो पर आवर कमा रहे वो तकरीबन 3 से 4 3 से 5 रुपए कमा रहे हैं एवरेज पर मिनट, और पर आवर तो आप देख लेंगे उस हिसाब से कितना कैलकुलेट बंदा एवरेज कितना कमा रहा है इंसान। तो दीज आर द थिंग्स वेयर आर दी कैलकुलेशंस आर दी डन एंड दी बेनिफिट्स आर गिवन बाय दी ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन दोज एम्प्लॉयज फॉर दी फ्यूचर ग्रोथ एंड गिव देम बेटर पोजिशन, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर ग्रोथ एंड ईच एंड एवरी थिंग, दीज आर दी काउंटेड इन दी बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन। लेबर लॉ आर दी यूनियन सिस्टम, काउंसलिंग है इसके अंदर, एज मैटर आता है, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस कम्स अंडर दी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, एनवायरमेंट, ईच एंड एवरी थिंग। दीज आर दी ओवरव्यू ऑफ एच आर एम फंक्शंस एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड सो देन ज्वाइन आवर कोर्स। सो हेयर इट इज द फीडबैक एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड राइट दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो इनबॉक्स द क्वेश्चंस आई विल एबल टू आंसर दोज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।